तो गाइस आज यूट्यूब का 22 सितंबर 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। क्या पूरी खबर हम इस वीडियो में बताते हैं। या 22 सितंबर 2020 यानी आज का नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। इसमें क्या पूरी खबर मेंशन है, विषय इसका विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित नालंदा ई कंसर्टोरियम द्वारा आगामी वर्ष 2020 के लिए सदस्यता लिए जाने वाले ई संस्थानों के नवीनीकरण तथा चयन एवं वर्तमान में सदस्यता ली गई ई संसाधनों में ई बुक्स एवं ई जर्नल्स जोड़े जाने अथवा हटाए जाने हेतु सूचना प्रेषित करने के संबंध में महोदय विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित नालंदा ई कंसर्टोरियम के माध्यम से विश्वविद्यालय घटक एवं संबद्ध संस्थानों के अध्ययनरत छात्रों, कार्यरत शोधार्थियों एवं शिक्षकों के उपयोगार्थ वर्ष 2019-20 हेतु निम्न तालिका में वर्णित ई बुक एवं ई जर्नल्स के सदस्यता लिए गए हैं और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें पब्लिशर्स का नाम है, आप नाम यहां से देख सकते हैं और उसका ई बुक्स वगैरह पूरा यहां से पूरा मेंशन है। और अगर उसके बाद अगर हम बात दिनांक 18/2020 को नालंदा ई कंसोर्टियम के द्वितीय सत्रालन समिति की संपन्न बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा आगामी वर्ष 2021 के इस संसाधनों के नवीनकरण तथा चयन करने हेतु तथा वर्तमान में सदस्यता ली गई इस संसाधनों में केवल अति महत्वपूर्ण नवीन विषयों के चुने गए ई बुक्स एवं ई जर्नल्स जोड़े जाने अथवा हटाए जाने हेतु सदस्य संस्थानों को सूचित प्रेषित करने का अनुरोध प्रेषित किए जाने का निर्णय दिया गया था, जिसकी प्राप्त की सूचना के आधार पर जाने वाली सामग्री पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के अवगत होते हुए अध्ययन छात्रों छात्राओं एवं शोधार्थियों एवं शिक्षकों के उपयोगिता के दृष्टिगत उनके विचार विमर्श के उपरांत आगामी वर्ष 2021 के लिए सदस्यता लिए जाने वाले केवल अति महत्वपूर्ण नवीन विषयों के चुने गए इस संसाधनों की सूची दिनांक 30 सितंबर 2020 5:05 तक गूगल फॉर्म्स के लिए, और यहाँ पे लिंक दिया गया गूगल फॉर्म के द्वारा भेजने का कष्ट करें जिससे कि समय से निर्णय लिया जा सके। ये नोटिस है भौदी नंदलाल सिंह जो कि कुल सचिव हैं, नंदलाल सिंह की सर की तरफ से जो कि एकेटीयू के सचिव हैं। तो आज की नोटिस यही थी। इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। एकेटीयू की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी के चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक करें।